Now, next topic is electromagnetic induction. Okay? सुनिए भाई, इंडक्शन का मतलब हिंदी में होता है प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना. ओके, जैसे कि आपको बुला के बैठा के खूब समझाया कि हाँ भाई पढ़ लो, ठीक है, तो इंडक्शन हो रहा है बिना टच किए हुए. ध्यान रखिएगा, टच नहीं होना चाहिए. ओके, तो मतलब मारा वारा नहीं किया, आपको टच नहीं किया गया फिजिकली, ऐसे ही आपको समझाया जा रहा है कि भाई पढ़ लो. बहरहाल आते हैं वापस इसमें. देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको हम समझते हैं. फैराडे ने क्या सोचा, ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम फैराडे. ओके, नाम सुना है आपने? यस सर. ओके, तो फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे. सुनिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. सुनिए, लास्ट हमने टाइम क्या देखा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही होती है तो वो क्या बनाता है, उल्टा कर दो इसको, कि अगर मैग्नेटिज्म हो कहीं पर तो हम उससे क्या बना सकते हैं, करंट. करंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट. तो लास्ट टाइम क्या किया था, आई से क्या बनाया था आपने, बी, और अब क्या करना है, बी से क्या बनाएंगे, आई. चलिए देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट. ओके, पहले हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अपने फिनोमेना को हम समझ लेते हैं. ध्यान से इधर देखिए जरा, ये देखिए, ये एक सोलेनोइड है. ओके, सोलेनोइड आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, इस पे एक इंसुलेटेड कॉपर की वायर लगाई है मैंने लाइक दिस. ओके, ध्यान से देखिए, इसका एक एंड ये मैं लेके आता हूं और दूसरा ये, और मैंने गैल्वेनोमीटर से लगा दिया. सुनिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का डिटेक्शन करता है, ये आपको पहले पता है. अगर कहीं करंट आ रही होगी सर्किट में तो उसका जो ये निडल होता है इंडिकेटर, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, देखिए मैं मैग्नेट लेके आया, ये बार मैग्नेट, ठीक है, अभी मैंने रखा हुआ है बार मैग्नेट, अभी मैंने कुछ किया नहीं. ओके, तो V कितना है इस बार मैग्नेट का, जीरो. तो मना लेते हैं दस बार मैग्नेट, और लेट अस से कि ये बार मैग्नेट का जो है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल. इसको मैंने अभी स्टेशनरी रखा हुआ है, ये कैसी पोजीशन में, स्टेशनरी. ओके, रुका हुआ. सुनिए, एक काम करिए, इस मैग्नेट को ना आप ऐसा अंदर ले जाइए. ओके, इसके पास ले जाइए. बहुत आश्चर्य करने वाली घटना घटती है, आप देखेंगे कि ये जो है गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब इस सर्किट में क्या आ गई, करंट. देयर इज नो बैटरी, कोई भी बैटरी नहीं है, लेकिन इसमें करंट आ गया. देखिए ऐसा होता है, ठीक. अब सुनिए, इसको समझने से पहले आप एक दो बातें समझिए. नंबर वन आप ये समझिए, समथिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या बोलेंगे, सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी 10th क्लास में आप इस तरीके से समझ सकते हैं. आप 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिए, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिए. ओके, ये ले लिया आपने, ठीक. देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से क्या निकल रही होंगी, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अभी मैंने जब यहां रखा हुआ है तो माना लेट अस से कि इस पूरे से अभी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक है. लिंक का मतलब समझ रहे हो, इस जुड़ी, हाँ, जुड़ी हुई, इसमें से होके जाती हुई, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि वो दिखती तो है. ओके, तो अभी इससे कितनी लिंक है, 10. थोड़ा सा सोचिएगा ध्यान से, यहां अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6, ये काटना नीचे आपस में, 7 8 9 10, 11, 12, 13 and so on to 100. जब मैंने ऐसा रखा तो कितनी लिंक है इससे? अब यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस 5 या 6. सुनो, चाहे मैं इसको इसके पास लेके जाऊं और चाहे मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूं और मैग्नेट को इसके पास लेके आऊं, क्या चेंज होता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड का जो लिंकेज है वो चेंज होता है. दूसरे शब्दों में बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आता है, चेंज. किस में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आंसर इज सिंपली, सुनिए,
वन यूनिट एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद वन यूनिट एरिया. ओके, अभी छोटी क्लासेस में आप टेंथ में ऐसे ही देख लीजिए, फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद वन लिंक्ड यूनिट यूनिट एरिया लिंक्ड विद यूनिट एरिया. वापस आते हैं, पहली बात तो आपने समझी फ्लक्स. दूसरा सुनिए, नेचर का रूल क्या होता है. नेचर का रूल है कोई भी सिस्टम चेंज चाहता है या नहीं चाहता है? नहीं चाहता. कोई भी सिस्टम चेंज नहीं होना चाहता है. ओके, तो देखिए इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा. जब मैंने मैग्नेट यहां रखा हुआ था तो इससे कितनी लाइन लिंक हो रही थी? 6. और जब मैं इसको पास लाता हूं तो देखिए पहले कितनी लाइन लिंक थी? 6. जब मैं इसको पास ला रहा हूं तो 6 से बढ़ के सपोज कितनी हो गई? 10. या 10 थी और बढ़कर कितनी हो गई? 50. तो phi 1 कितना था, मतलब पहले फ्लक्स कितना था? फ्लक्स को मैं किससे दिखाता हूं? phi से. पहले फ्लक्स कितना था? phi 1. बाद में कितना हो गया? phi 2. व्हाट इज द चेंज? चेंज इज गिवन बाय डेल्टा phi. चेंज को किससे दिखाते हो? डेल्टा phi. कैसे दिखाएंगे? phi 2 minus phi 1. कितने का चेंज आया? 50 minus 10. 40. सपोज ऐसा करने में मेरे को t टाइम लगता है. कितना टाइम लगता है? t. तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? डेल्टा चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर दूंगा. इसको मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, इसको मैंने नाम दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स है? लिंक, जो कि इस कॉइल में लिंक होता होगा. ओके, नाउ आप मुझे बताइए सिस्टम चेंज नहीं चाहता है. तो सुनिए, ये कॉइल ऐसे रखी थी, मैग्नेट ऐसे आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लिंक इस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 100 पे लाके मैंने क्या कर दिया? स्टॉप. तो सुनिए, क्या ये चाहता है? Yes, जब चुपचाप ये मैग्नेट ऐसा रखा हुआ था तो इससे कितनी लिंक हो रही थी? 10. तो वो क्या चाहता है सिस्टम? ये सोलेनोइड क्या चाहता होगा? मतलब ये कॉइल क्या चाहता होगा? केवल 10 रहे. और जैसे ही वो बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगा? उसका अपोज. अपोज ये क्या करेगा? उसका अपोज. और अपोज करने के लिए क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड खुद की ये बना लेगा. किधर की डायरेक्शन में? इसके जस्ट अपोजिट. तो वो ये चाहता है कि ये मेरा 10 का 10 ही बना रहे. हालांकि वैसा नहीं होता है, बाद में लिंकेज बढ़ जाता है. बट ये ऐसा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड. अब सुनिए, अगर ये ऐसा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखते हो? ओके, तो बताइए मुझे, ये था ना सोलेनोइड, अगर ये ऐसा बना रहा है तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए इसमें? देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, तो करंट कैसा फ्लो करना चाहिए? ऐसा. ऐसा का मतलब जरा देख के बताओ, ये आपकी तरफ से कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल. वेरी गुड. ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अब यहाँ पर ये एंड कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा. ये अपने अंदर नॉर्थ, ये नॉर्थ बनाएगा ताकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के जो चेंज को क्या कर सके? अपोज. ओके, ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बनाया इसने? और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जरूरी क्या होगा? इसके अंदर क्या बैठे हुए? इलेक्ट्रिक करंट जरूरी था. इसके अंदर क्या बैठे हुए? कॉइल में आयंस बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं. तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होता है, ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डर देता है कि हाँ भाई एक काम करो, जरा ऐसा घूमो, ऐसी डायरेक्शन में घूमो कि ये वाला एंड क्या बन जाए? नॉर्थ. और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मोशन करने लगते हैं, घूमने लगते हैं. इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है? तो इस कॉइल में क्या बन जाएगी? इसलिए आपको ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट दिखता है. हाँ, तो अभी मैंने क्या कराया था कि करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही थी? राइट हैंड कर्ल रूल से. ये एस, सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है ना? तो इसको हम देखिए इसमें कैसे दिखाएंगे. ये डिफ्लेक्ट हो गया
इस डायरेक्शन में जब इसको मैं कहां लेके आ गया, इसके पास, मतलब जब ला रहा था ये मोशन में ही था, नॉर्थ साउथ, और ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ जैसा, और करंट इसके मैं नाम रख देता हूं, देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फिर से देखते हैं, यस, देख सकते हो ऐसे, इसमें जो लपेटा हुआ है वायर कैसा, ऐसा, तो करंट उसमें कैसी फ्लो कर रही होगी, ऐसी, तो फील्ड कैसी आ रही है, वाह, तभी तो नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है, कोई डाउट है, अब सुनिए, 100 पे जब लाकर मैंने छोड़ दिया, 100 पे जब लाके मैंने छोड़ दिया, तो फिर से इसका फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, कॉन्स्टेंट 100, अब 100 ही रहेगा, अब वो क्या चाहता है, 100 है, आप जब पीछे लेके जाते हो तो, हाँ तो सुनिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी कि ज्यादा, फ्लक्स लिंकेज कम होगा कि ज्यादा, वो क्या करना चाहता है, हाँ तो वो फील्ड लाइन ऐसी नहीं बनाएगा, सपोर्ट करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में बनाएगा, ओके, तो जब मैं इसको ऐसा पीछे लेके जाता हूँ, जितनी देर तक मैं ले जाता हूँ केवल उतनी देर तक ही ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन, और करंट ऐसा ना फ्लो करके ऐसा फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर होने वाले फ्लक्स लिंकेज को क्या करना चाहता है, अपोज, वो चेंज नहीं चाहता है, सिस्टम तो वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्डर देता है कि घूमो, ऐसा घूमो कि जो फ्लक्स लिंकेज तुम्हारे में कम हो रहा है उसको क्या कर दो, सपोर्ट, और सपोर्ट करने के लिए ये देखिए पीछे जा रहा है, सॉरी पीछे क्या, ये नॉर्थ है, ये पीछे जा रहा है, तो जैसे जैसे वो पीछे जाएगा 100 थी, 100 से 90, 80, 70, 60 करते 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 वापस कितनी होनी है, 10, ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, ये वाला एंड उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के लिए ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कैसा, ऐसा कि ऐसा, ऐसा, और ऐसा वाला कब बनेगा, तो आंसर जब ये साउथ होगा, जब ये नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे खड़े हो जाइए, अगर ये साउथ होगा तो फील्ड किधर, इसका बनना चाहिए अंदर, तो करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, फ्रॉम ए टू बी, डाउट है, ये डिफ्लेक्शन किधर दिखाएगा, ओके, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, सुनिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था करंट तभी बनेगा जब कहीं क्या होगा, ईएमएफ, करंट कब बनेगा, जब कहीं पर क्या होगा, ईएमएफ, ओके, तो सुनिए, इधर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये जो ईएमएफ है, अभी मैं आपको लॉ भी बताऊंगा, ये जो ईएमएफ है, इट इज गिवन बाय डेल्टा फाई बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा फाई बाय टी, एन लगा दीजिए, इफ देयर आर एन टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, सपोज देयर इज ओनली वन टर्न, थोड़ी देर के लिए, देयर इज ओनली वन सर्कुलर लूप लाइक दिस, ओके, ये ऐसा एक सर्कुलर लूप है, मैग्नेट हम ऐसे ऐसे करते हैं, ओके, तो E is given by delta phi by T, अभी ये ना पॉजिटिव आ रहा है, आप देख लीजिए प्लस का 40 आ रहा है ना, तो करंट कैसा था, V to A, याद है करंट कैसा था, जब क्या करा था मैंने, इसमें फ्लक्स लिंकेज बढ़ाई थी, मतलब चेंज मेरा पॉजिटिव आ रहा था, और चेंज मेरा नेगेटिव कब आएगा, दूसरी कंडीशन देखिए, जब मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, तो phi 1 अब कितना है, 100, और phi 2 कितना है, 100 से घट के 80, 90, घट के घट के 10, तो what is delta phi by t, answer is delta, हाँ, final minus initial, 10 minus 100, answer will be 90, minus, या 1050 से example लिया था, 1050 से कर लो, 50 था पहले, अब बाद में कितना हो गया, तो ये minus का आया कि नहीं answer, माइनस का आता है, तो इसका मतलब E जो बना होगा, देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, करंट ऐसे नहीं बनी होगी, पहले EMF बना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इस कॉइल के एंड्स पे, तभी तो करंट चलेगा, ओके, तो वो EMF कैसा आता है, देखिए, तो माइनस का साइन केवल इतना शो कर रहा है दैट द न्यू डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द प्रीवियस केस फ्रॉम द प्रीवियस केस, ओके, कोई डाउट है, ये चीज है, अब देखिए ये जो मैंने ई और ये सब लिखा है, अब इसका फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Whenever there is a number of magnetic field lines linked with a conductor, an electromotive force is developed between the ends of the conductor, which lasts as
लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन अ इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्स. मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक का क्या मतलब होता है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, कोई डाउट है बताइए. या इसका सिंपल डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. सुनिए, ये ईएमएफ इसमें जो बनता है, ईएमएफ बनेगा तो क्या बनेगा? करंट. कांसेप्ट क्लियर कर लीजिए. ओके, ईएमएफ बनेगा तो क्या बनेगा? करंट. ठीक, देखिए ईएमएफ कैसे बनता होगा भाई. जब इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू किया था तो एक तरफ से किधर जाते होंगे? दूसरी तरफ क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए. तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कहीं पर कम. जिधर ज्यादा उधर नेगेटिव, और जिधर कम उधर पॉजिटिव. ओके, और करंट किधर से किधर चलेगा फिर? पॉजिटिव से. तो इस तरीके से एक पोटेंशियल, एक सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है. कोई डाउट है? अच्छा, अब इसको देखिए, इसका फॉर्मुलेशन कर लेते हैं. ओके, अच्छा एक चीज आपको और इसमें ध्यान देना है. सुनिए, सॉलिनॉइड को मूव करा, अभी हमने मैग्नेट को मूव कराया, तो चाहे मैग्नेट मूव कराइए चाहे सॉलिनॉइड, ठीक है, बस दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. ओके, तो अगर मैं इसको फिक्स कर देता और मैं कॉइल को ऐसा आगे पीछे करता सोलेनोइड को, तभी तो क्या चेंज आता? फ्लक्स में. और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस, इंड्यूस से मतलब इंडक्शन, बिना छुए हुए, कोई छूता नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे को टच नहीं करता. ओके, और ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या बनेगा? इंड्यूस करंट बनेगा. कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज नोट कर लेनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मैग्नेट मूव्स और द सोलेनोइड, ठीक है, ये ईएमएफ इंड्यूस होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मैग्नेट मूव्स और द कॉइल या फिर सॉलिड. क्या चेंज आता है? फ्लक्स में. कॉइल चाहता नहीं है कि फ्लक्स में चेंज आए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसी डायरेक्शन में घुमाता है, या नेचर इलेक्ट्रॉन को ऐसी डायरेक्शन में घुमाती है कि यस नहीं, हर टाइम अपोज ही करता है, हर टाइम तो अपोज ही करता है भाई. ये आपने बोली कि सपोर्ट किया, अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं बोलिया, अपोज करता है. किसको? अपने अंदर होने वाले चेंजेस, चाहे उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनानी पड़े और चाहे सपोर्ट करने के लिए बनानी पड़े. कोई डाउट है? अच्छा, अब इसमें देखिए. ओके, हाँ मुझे बताइए, चलिए बताइए, ये सोलेनोइड रखा हुआ है, आप मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन बताइए. ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में इसके पास लेके आता हूँ, नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ. नॉर्थ, नॉर्थ, समझ रहे हो क्यों? कि जब नॉर्थ ऐसा बनेगा तो उसको पीछे बनने के लिए नॉर्थ पोल, इसको क्या करेगा? अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल. ये वाला इसको क्या करेगा? अपोज, अपोज करने के लिए एफआरएल करेगा. और नॉर्थ पोल ठीक है. अब मैं अगर मैं इसका ये वाला साउथ है और इसको मैं वापस अगर पीछे ले जाता हूँ तो क्या बनेगा? ये साउथ, ये नॉर्थ. ओके, क्यों नॉर्थ बनेगा? ये चाहता होगा लिंकेज में चेंजेस ना हो, तो उसको पकड़ के रखना चाहता है, ऐसा बुलाएगा. और बुलाता कौन है साउथ को? नॉर्थ. ऐसे आप समझ जाइए, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता होगा आपको. बहरहाल अब फेराडे का एक्सपेरिमेंट देखिए. ओके, अच्छा इसमें आपको कुछ बातें नोट करनी है. करंट कब फ्लो करता है इसमें? देखिए, व्हाट इज द कंडीशन टू फ्लो द करंट इन द कॉइल? ओके, नंबर वन पॉइंट, करंट फ्लोस ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ओनली व्हेन
देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. कोई भी चलता हो मैटर नहीं करता है. नंबर टू पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. व्हेन रिवर्स्ड बताइए? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड. ओके, नंबर थर्ड, द करेंट इन द कॉइल इज इंक्रीज. करेंट कैसे इंक्रीज हो सकता है? करेंट इज इंक्रीज बाय, ओके, ये करेंट कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है बताइए, क्या करें? बाय द रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट. देखिए फिर से मैं आपका फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, ध्यान दें इधर. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाय टी. इफ देयर आर एन टर्म्स देन मल्टीप्लाइड बाय एन. तो क्या बोलोगे बताओ? इधर ध्यान से देखें, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सुनो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पर सेकंड में जितने चेंज. अगर देखो मैं ऐसा लेके आ रहा हूं, देखिए ये कॉइल है मैग्नेट, अगर मैं ऐसे लेके आ रहा हूं तो एक सेकंड में कितने चेंज हुए? सपोज 10. कैसे? पहले 10 था, अब कितना हो गया? 20. अब देखिए, अब फास्ट आया तो एक सेकंड में चेंजेस कितने होंगे? ज्यादा. तो 1 सेकंड में अगर चेंज ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, इसलिए करंट भी ज्यादा. ओके, तो नंबर वन पॉइंट, बाय द रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट करंट इज इंक्रीज बाय द रैपिड मोशन ऑफ द कॉइल. ठीक है, जितना फास्ट आप लेके आएंगे आगे या पीछे, उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा. ओके, नाउ नंबर टू, बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का वो ज्यादा फ्लक्स वीक मैग्नेट के कंपैरिजन में बनाएगा. ओके, तो बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ओके, उसके बाद बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स नंबर थ्री है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. ये हो गया. ओके, अब देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, यस क्रॉस सेक्शन एरिया भी नोट कर लीजिएगा. क्योंकि देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो लिंकेज क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है ना, ज्यादा एरिया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होंगी उससे. मतलब चेंजेस कैसे आएंगे? ज्यादा तो ज्यादा चेंज आएगा. तो पोजीशन कैसा होगा? ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाने के लिए या अपोजिट डायरेक्शन में बनाते होंगे या सेम, वो डिपेंड करता है आप ला रहे हो या वापस ले जा रहे हो. ओके, देखिए इसके बाद ये जो ईएमएफ बनता है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन हम कैसे समझेंगे? EMF की डायरेक्शन समझने का मतलब समझ रहे हैं? करंट की डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं, फिर डायरेक्शन की बात. ओके, फैराडे ने दो लॉ दिए जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको हम नोट कर लेते हैं. ठीक है,
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, नंबर वन लॉ जो कि आपको पता है, क्या लिखेंगे नंबर वन में बताइए. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced. Okay? If there is a change in magnetic flux link, if there is a change in magnetic flux link with a coil, an EMF is induced. Okay, और ये EMF कब तक रहता है बताइए, जब तक change बना रहता है. ठीक है, तो this मैंने भी note भी किया था, this EMF lasts longs. ये EMF कब तक बना रहता है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बना रहता है. ओके, इट लास्ट सो लॉन्ग, देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल. ओके, देखिए चेंज नहीं होता है तो आपने देखा है, फ्लक्स में चेंज नहीं होता है तो कोई भी EMF उसमें नहीं बनता है. ओके, नंबर टू, जो नंबर टू है वो आपको ध्यान देना है. अब हम इसका फॉर्मुलेशन करेंगे, किसका, जो EMF इंड्यूस होता है इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे. दिस EMF इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. ठीक है, नंबर टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil. Okay? अब इसका देखिए फॉर्मूले में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे. फॉर्मूले में बताइए कैसे लिखेंगे इसको. इंड्यूस्ड EMF, EI का मतलब इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा टी मतलब जो भी टाइम में चेंजेस आए हो, जितनी देर में फ्लक्स चेंज हुआ, या नॉर्मल टी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, व्हाट डज माइनस साइन शोज बताइए. यस, द माइनस साइन शोज दैट द ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स. Shows that the EMF induced opposes the change in flux. Okay. सुनिए, एक आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें कंडीशन याद रखनी है, दैट जो कॉइल है ना, जो लूप है कॉइल का लूप, ये देखिए ऐसा एक कॉइल मैंने लिया ये. ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाऊंगा, ये कैसा होगा बाहर, ऐसा, और मैग्नेट आप ऐसे ऐसे लाओगे. सुनिए, लूप ना ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा. लूप कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज लूप होना चाहिए. पता लगा यहां से ब्रेक है और आप यहां गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं,
देयर विल बी नो करंट, ओके, बिकॉज सर्किट क्या है, ब्रेक है, और ब्रेक जो होता है सर्किट उसमें करंट नहीं चलता है, ठीक है, तो लूप भी क्लोज होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, ओके। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ना देखिए इधर, अच्छा एम भी लगाना है, एम से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, और बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ अच्छा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा होगा, गुड, अच्छा होगा उसका स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड अच्छा होगा, देखिए क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर पर सेकेंड में ज्यादा फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ भी कैसा बनेगा, ज्यादा, और पर सेकेंड में कम चेंज आता है तो ईएमएफ भी कैसा बनेगा, कम, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके लिए दो लॉ बनाए गए, उसको देखिए, ये जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको ध्यान रखिए, ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और यू कैन से दैट इंड्यूस्ड करंट, और इसके लिए कौन सा लॉ बनाया गया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड रूल था, ये कौन सा है, राइट, सुनो लेफ्ट हैंड में क्या होता था याद रखिए, देखिए फील्ड डी रहती थी, करंट दिया रहता था, फोर्स लगता था, फोर्स लगता था, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, राइट, सब कुछ वही रहेगा, ये करंट दिखाता था, ये भी क्या दिखाएगा, करंट, ये फील्ड दिखाता था, ये भी फील्ड दिखाएगा, ये मोशन दिखाता था, ये भी क्या दिखाएगा, मोशन, लेकिन दोनों में एक अंतर है क्या, कि अब यस वहां पे करंट दिया रहता था तो फील्ड बनती थी, यहाँ फील्ड दी है तो, और मोशन करा रहे हो तो करंट, वहां दो चीजें दी रहती थी, कौन कौन, फील्ड और करंट, तो कंडक्टर चलता था, मोशन में आता था, तो आप एफ बता देते हो, तो रिजल्ट क्या आता था, लेफ्ट हैंड का एफ, राइट हैंड का रिजल्ट क्या आएगा, आई, इंड्यूस्ड करंट, क्या क्या दिया रहेगा, फील्ड और क्या दिया रहेगा, मोशन की कंडक्टर कैसे मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर और आपको आंसर क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन, ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। स्ट्रेस द थंब, ओके, इसको सिंपली नोट कर लेते हैं, आप बुक से भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा बताइए, सेंट्रल फिंगर एंड फोर फिंगर कैसा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, अब इसका रिजल्ट क्या आता है बताइए, दिस वन डायरेक्शन, मिडिल फिंगर, रिजल्ट कौन बताता है, सेंट्रल फिंगर या फिर ये रिजल्ट, ये क्या बताती है, डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ, ओके, थंब किसको बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ओके, मोशन ऑफ कंडक्टर, और फोर फिंगर किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन देते हैं, ओके, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि करंट किधर से किधर चलता है बताइए, पॉजिटिव से नेगेटिव,
ओके ओके नाउ सेकेंड लॉ भी हमारे पास लेंस लॉ लेंस लॉ ओके देखिए लेंस लॉ क्या है लेंस ने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके की होगी कि वो फ्लक्स का क्या करेगा अपोज बस इतनी सी बात बोली तो आपने बनाया कि बनाया था आपने लास्ट टाइम करंट को आपने ऐसा बनाया था ये देखिए याद है आपको नॉर्थ ये सॉरी कॉइल था ठीक और जब आप नॉर्थ को इसके पास ला रहे थे तो ये वाला एंड भी कैसा बन जा रहा था नॉर्थ मतलब करंट कैसा फ्लो कर रहा था ऐसा का मतलब हाँ करंट कैसा फ्लो करना चाहिए ऐसा ताकि ये वाला क्या है नॉर्थ इस तरीके से तो इसको नोट कर लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट It opposes the cause of the cause which produces the cause which produces okay तो EMF ऐसा generate होता है का मतलब क्या ईएमएफ बनेगा तो करंट तो ईएमएफ ऐसा जनरेट होता है कि वो उसको अपोज करे जिसके कारण वो बना है तो किसके कारण बना था ये जो ऐसा फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा था तो उसको क्या करेगा घटाने की कोशिश करेगा तो एक नॉर्थ इधर बनाएगा तो करंट की डायरेक्शन ओके मैं ये हो गया इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बचती है उसको देखिए लेंस का जो लॉ है वो किस पे बेस है देखिए लेंस का जो लॉ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे बेस्ड है तो आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे पिछली बार क्या हो रहा था बताइए इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था ओके इस बार देखिए क्या होता है आप ऐसा जो चलाते हो ये आप क्या लगा रहे हो मैकेनिकल एनर्जी लास्ट टाइम आपने उसमें देखा था डीसी मोटर में डीसी मोटर में क्या हुआ था बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई थी मैकेनिकल एनर्जी में अब की उल्टा है हम मैग्नेट की हेल्प से क्या बनाएंगे करंट ओके तो क्या हो रहा है आपने जो ऐसा ऐसा चलाया इस पे जो आपने मैकेनिकल एनर्जी अपनी खर्च की वो किसमें कन्वर्ट हो गई कैसे कन्वर्ट हो गया आपने देखा उसने फोर्स किया किसको चलने के लिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट जहां पर भी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी ठीक है तो लेंस लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे बेस है तो आंसर है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है जिसमें क्या होता है बताइए मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू या सॉरी ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम करेंगे एसी जनरेटर ओके तो एसी जनरेटर के लिए हमको ये बातें पता होनी चाहिए एसी जनरेटर क्या करेगा बताइए ये कैसी डिवाइस होगी मैकेनिकल इसमें चेंज करेगी इलेक्ट्रिकल ओके
एक मैकेनिकल फोर्स लगा के हम कंडक्टर को चलाएंगे, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। और तो जब वो मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और आप इसको ऐसा चलाते हो, तो इस कॉइल में क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि अभी इतनी लाइंस जा रही है, इससे जब ये आएगा और ज्यादा लाइन जाएंगी, फिर ऐसे घूमेगा तो लाइंस कम होगी, तो हर पल इसमें क्या चेंज होता होगा? फ्लक्स। तो इसमें क्या बनी होगी? करंट। और दो एंड होते हैं इस कॉइल के, करंट वहां से निकाल लीजिए, यूज कर। ओके, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम इसको, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ जनरेटर।